हो गया आपका काम? जी हो गया, नमस्ते। नमस्ते, क्षमा कीजिए मुझे आने में ज़रा देर हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रसव के बाद महिला काफ़ी व्यस्त हो जाती है, क्योंकि उसे अपने छोटे शिशु की देखभाल के साथ साथ घर परिवार का भी ध्यान रखना होता है। हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे का लालन पालन अच्छी तरह से करे, उसे पूरा समय दे, और इसलिए ज़रूरी है कि वो तुरंत दोबारा गर्भवती ना हो। इसके लिए महिला दो बच्चों के बीच में कुछ वर्षों का अंतर रख सकती हैं और जब चाहे तभी गर्भवती हो सकती हैं। ऐसा करने से माँ अपने और अपने बच्चे दोनों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रख सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से तरुणी सखियाँ व ग्रामीण स्वास्थ्य सेविकाएँ महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार गर्भ निरोधक साधन का चयन करने में सहयोग कर सकेंगी। नमस्ते। आओ बैठो। बड़े दिनों बाद देखी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम अभी आ गई, मैं अभी बाहर ही निकल रही थी। कब आए मौनी? 10 दिन हो गए दीदी, अभी कल फिर ससुराल लौट जाऊंगी। कल वापस जा रही हो? जी दीदी। अच्छा, और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? कॉलेज चल रहा है दीदी। वो मोहनी, मैं भी तुम्हारी तरह महिला ही हूँ और सबको पता है महिलाओं की समस्या के बारे में। बताओ क्या बात है? दीदी पहले मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। क्या आप इसमें मेरी सहायता कर सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो मोहनी, तुम किसी भी गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल करोगी तो तुम जब चाहोगी तभी गर्भवती बनोगी। तुमने वो रोजाना गोली के बारे में तो सुना होगा ना? हाँ दीदी, उसका उपयोग तो मैं 2-3 महीने से कर ही रही हूँ, लेकिन दीदी मैं कभी कभी लेना भूल जाती हूँ। अरे भूल जाती हो तो कोई बात नहीं, इमरजेंसी गोली है ना। ये क्या है? उसे अचानक गोली भी कहते हैं या फिर 72 घंटे वाली गोली भी कह सकते हैं। एक मिनट, ये देखो ये है वो काम की गोली। इसका क्या उपयोग है? यदि कभी बिना किसी साधन के महिला और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं तो संबंध बनने के 3 दिन के भीतर इस गोली को लेने से गर्भ नहीं ठहरता। जो महिलाएं रोज गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं वो अगर लगातार 3 दिन लेना भूल जाए तो ये अचानक गोली ले सकती हैं। अच्छा दीदी, आजकल मेरे पति कभी कभी कॉन्डम का उपयोग करते हैं, यदि एक आध बार उपयोग में ना ले तो क्या मैं अचानक गोली का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ लेकिन मौनी, ये याद रखना कि ये नियमित साधन नहीं है। और आज मैं तुम्हें एक बात और बताती हूँ, कभी कभी संबंध बनाते समय अगर कॉन्डम का उपयोग ठीक तरीके से ना किया गया हो या फिर किसी महिला पर जबरदस्ती की गई हो तो वो महिला ये अचानक गोली का इस्तेमाल कर सकती है। हाय दीदी, मेरी तो सारी टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, घर वाले भी सोच रहे होंगे कहाँ रह गई, अब तक आई नहीं। ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ निकलती हूँ। और हाँ मोनी, कभी रोजाना गोली लेना भूल जाओ तो ये अचानक गोली ले सकती हो। जी दीदी। और हाँ, और कोई मदद चाहिए तो कहना, हिचकिचाना मत। हाँ
कैसी हो कमला? ठीक हूँ, आओ मीना बैठो। क्या कर रही हो? गेहूँ साफ कर रही हूँ, चक्की पर जाना है। लाओ मैं भी करने लगती हूँ, फटाफट हो जाएगा। अच्छा कमला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? तुम्हारा ये पांचवा महीना चल रहा है ना? हाँ। तो क्या तुमने अपनी जांच करवा ली? हाँ करवा ली। तब ठीक है। देखो कमला, तुम समय पर अपनी जांच करवाती रहना, हाँ, और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना, और भारी मजदूरी का तो सोचना भी मत, हाँ? साथ में ताकत की गोलियां भी लेती रहना। क्या है, डिलीवरी के बाद तो तुम्हें अपने लिए बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, दिन रात जागना पड़ेगा, और फिर घर का काम भी तो है, फिर धीरे धीरे बाहर का काम शुरू करोगी, और फिर अपने उनको भी तो समय देना पड़ेगा, हाँ? तो कमला, ऐसे में कभी कभी दूसरा बच्चा भी ठहर जाता है, तो अभी कुछ सोचा नहीं है, पर आगे कम से कम 3-4 साल तक तो अगला बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है कमला, अभी सोचा नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाली हूँ जिससे तुम तुरंत गर्भवती ना हो, इसका ध्यान रखा जा सकता है। देखो, डिलीवरी के बाद अगले 6 माह तक बच्चे को केवल अपना दूध ही पिलाना, पानी, गुट्टी या बाहर का दूध मत पिलाना। 6 माह तक बच्चे को केवल अपना दूध पिलाने से बच्चा ताकतवर होता है। और हाँ, इसका एक दूसरा फायदा भी है, पता है? क्या है? यदि बच्चे को दिन रात तुम केवल अपना ही दूध पिलाती हो और महावारी नहीं आई, तो 6 माह तक गर्भ नहीं ठहरेगा। इसे स्तनपान विधि कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी वजह से 6 माह के भीतर तुम्हारी महावारी शुरू हो जाती है, या फिर तुम बच्चे को बाहर का दूध या पानी पिलाती हो, तो फिर इस तरीके पर भरोसा मत करना, फिर तुम्हें किसी और साधन का उपयोग करना होगा। तो ऐसे में मैं और क्या साधन काम में ले सकती हूँ? कमला, तुम्हारा पति कॉन्डम का भी इस्तेमाल कर सकता है। देखो, अब ये तुम दोनों के बीच की बात है कि तुम दोनों क्या करोगे, लेकिन कॉन्डम संबंध बनाने के समय आनंद बढ़ाता है। अरे शर्मा क्या रही हो, हाँ? हम दोनों ही तो हैं। हाँ कमला, लेकिन अगर तुम लंबे समय का कोई तरीका चाहती हो ना, तो प्रसव के 2 दिन के भीतर कॉपर्टी लगवा लेना। अगर तुम्हारी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में होती है तो वो लोग तुम्हें कॉपर्टी लगवाने की सलाह देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा हुई तभी लगाएंगे, वरना नहीं। अरे हाँ कमला, एक बहुत अच्छा नया विकल्प आया है, मुक्ति। तुम प्रसव के 2 दिन के भीतर उसे भी लगवा सकती हो। ठीक है मीना, मैंने सोच लिया है। मैं पहले तो स्तनपान विधि अपनाऊंगी और फिर अपने पति से कॉन्डम के बारे में भी बात करूंगी। ठीक है। अरे देखो, बातों बातों में काफी सारे गेहूं साफ हो गए। ठीक है, बाकी मैं कर लूंगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे ललिता से मिलने जाना है। उसकी डिलीवरी हो गई है, पता है उसकी बेटी हुई है? हाँ पता है, तभी तो जा रही हूँ। चलो तुम अपना ध्यान रखना। आते रहना। हाँ। ललिता कैसी हो? अरे आओ आओ मीना बैठो, मैं एकदम ठीक हूँ। और तुम्हारी बच्ची कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो कैसी है? वो भी ठीक है, अब तो 1 महीने की हो गई है। दादी उसको पड़ोस के घर पे ले गई है। अच्छा ललिता, तुम काफी थकी थकी से नजर आ रही हो। वैसे अब काम भी तो बढ़ गया होगा ना, बच्ची की देखभाल, दिन रात जागना, और फिर घर के काम भी तो होंगे। हाँ। अच्छा, तुम्हारी महावारी शुरू हो गई क्या डिलीवरी के बाद? नहीं तो मीना, अभी तो महावारी शुरू नहीं हुई है। अच्छा, और तुम बच्ची को लगातार अपना ही दूध पिला रही हो ना? हाँ, तुमने जैसे बताया था वैसे ही कर रही हूँ, केवल अपना ही दूध पिला रही। तब ठीक है। अच्छा ललिता,
ये 3 महीने का टीका क्या होता है? उससे गर्भ नहीं ठहरता है, वो हर 3-3 महीने बाद लगवाना होता है और महावारी शुरू होने के 7 दिन के भीतर लगवाना होता है। लेकिन 3 महीने में मैं टीका लगवाना भूल गई तो क्या होगा? तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर भूल गई तो अगला टीका 3 तारीख से 14 दिन पहले या 30 दिन बाद तक लगवा सकती हो। हाँ लेकिन ललिता, 3 तारीख पर ही टीका लगवाना ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये टीका लगवाने से कई महिलाओं में महावारी है ना, वो अनियमित हो जाती है या कुछ महिलाओं में थोड़े महीनों के लिए बंद भी हो जाती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही सामान्य बात है। अच्छा, तुमने अभी मुक्ति के बारे में भी कहा, ये चीज क्या होती है? मुक्ति बच्चेदानी में रखा जाने वाला एक छोटा सा कैप्सूल होता है, इसका असर 5 साल तक रहता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर या नर्स द्वारा ही 5 मिनट में लगवाया जा सकता है। इसको लगवाने से महिलाएं गर्भवती नहीं होती हैं और महावारी में जो अधिक खून जाने की समस्या होती है ना, वो भी कम हो जाती है। और हाँ ललिता, ये महावारी में जो दर्द होता है या छोटी मोटी अन्य समस्याएं होती है ना, वो भी कम हो जाती है। फिलहाल मैं तो स्तनपान विधि अपना रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि बेटी को जब 6 महीने हो जाएंगे उसके बाद मुक्ति ही लगवा दूँ, कमजोर हो गई हूँ, इसलिए ये साधन ही ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, मैं जब ये लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाऊँगी ना, तो तुम मेरे साथ चलोगी? ललिता मैं जरूर आऊंगी, जब चलना हो तब बता देना। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, मुझे नौचकी से मिलने जाना है, उसकी डिलीवरी को 5 महीने हो गए ना। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, आती रहना। हाँ, और तुम अपना ध्यान रखना। मुझकी, कैसी हो? अरे मीना, तुम यहाँ आओ अंदर। नहीं नहीं, यहीं बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा तुम बैठो, मैं आती। तुम्हारा बच्चा कैसा है? मेरा बच्चा ठीक है अभी, और वो 5 महीने का हो गया है। पिछली बार जब हम मिले थे तब तुम्हारी महावारी शुरू नहीं हुई थी, क्या अभी भी शुरू नहीं हुई है? नहीं मीना, अभी भी बंद है, और मैंने सुना है कि मेरी माँ के 10 से 12 महीने तक महावारी शुरू नहीं होती थी, और इस दौरान उनके बच्चे भी नहीं ठहरते थे। हाँ नौचकी, लेकिन तुम इस चक्कर में मत रहना, कई महिलाओं की महावारी शुरू होने से पहले ही गर्भ ठहर जाता है, इसीलिए ध्यान रखना। अगर महावारी शुरू ना भी हो तब भी 6 महीने होते ही तुम किसी साधन का उपयोग जरूर करना, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, याद है? हाँ हाँ मीना, तो मैं इनमें से कौन सा साधन उपयोग में ले सकती हूँ? देखो नौचकी, अगर महावारी शुरू ना भी हो तब भी तुम किसी न किसी साधन का उपयोग जरूर कर सकती हो, लेकिन इससे पहले पक्का करना होगा कि कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो, और इसके लिए तुम ये पेशाब की जांच कर सकती हो। हाँ मीना, ये मैंने उपयोग में लिया है, मुझे पता है। तो एक बार पक्का हो जाए कि तुम गर्भवती नहीं हो, उसके बाद तुम कोई भी गर्भ निरोधक साधन जैसे कि मालाडी या अर्पण या 3 माह का टीका या फिर मुक्ति या कॉपर टी जैसे साधनों का इस्तेमाल कर सकती हो, और अगर तुम्हारा पति कॉन्डम का इस्तेमाल करता है फिर किसी साधन की ज़रूरत नहीं है। तो मीना, अगर मेरी महावारी शुरू हो गई हो तो क्या इनमें से किसी साधन का उपयोग कर सकती हूँ मैं? हाँ हाँ, ज़रूर कर सकती हो। अच्छा मीना, अगर बिना कोई साधन उपयोग में लिए क्या हम महिलाएं स्वयं ध्यान नहीं रख सकती कि हम गर्भवती ना हो? ज़रूर रख सकती हैं, सुरक्षित दिन वाली विधि उन महिलाओं के लिए है जिनकी महावारी नियमित है, इसका मतलब है कि कुछ दिनों पर ही संबंध बना सकते हैं। क्या तुम दोनों ये कर पाओगे? क्या पता, इनसे पूछना होगा। अच्छा मीना, एक बात कहूँ? कहो। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने पति से कॉन्डम के बारे में बात की थी, वे इसका उपयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं, पर एक समस्या है। क्या हुआ? वे कहते तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें दुकान से जाके कॉन्डम खरीदने में शर्म आती है, तो वे खरीदेंगे कैसे? अरे तो उसमें चिंता की क्या बात है नौचकी, जब चाहिए मेरे पास आकर ले जाना, मैं भी तो कॉन्डम रखती हूँ। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। अच्छा मीना, 2 मिनट बैठो ना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ बोलो? मेरी भाभी की कुछ ही दिन पहले डिलीवरी हुई थी,
और डिलीवरी के एक महीने बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। ओहो, ये तो बड़ी दुख की बात है। नोचकी, तुम अपनी भाभी से लगातार फ़ोन पर बात करती रहना ताकि उनका मन हल्का हो जाए। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें अगला बच्चा तुरंत ही चाहिए होगा। हाँ मीना, मेरी भाभी भी ऐसे ही चाहती है, पर उनका शरीर कमज़ोर हो गया है। तो अगर वो कमज़ोर हो गई है तो उनसे कहना कि कुछ 6 महीने तक रुक जाए, ये उनके लिए और उनके बच्चे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए वो किसी भी साधन का उपयोग कर सकती हैं, जैसे कि गोलियां या मुक्ति, और अगर तुम्हारे भैया चाहें तो कॉन्डम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाँ मीना, मैं मेरी भाभी से आज ही बात करती हूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। आज तुमसे बात करके मीना मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। तुम्हें अगर गर्भ निरोधक साधन की और जानकारियाँ चाहिए 8003-112-112 इस पर भी संपर्क कर सकती हो। अच्छा रुक, मैं ये नंबर ले ही लेती हूँ। हाँ लिख लो। बोल। ये तरुणी हेल्पलाइन नंबर है। अच्छा बोल। वो है 8003-112-112। ठीक है। ठीक है। अच्छा नुष्की, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ अच्छा मीना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी जरूर कॉन्डम लेने के लिए। हाँ हाँ जरूर आना, और खरीदने के लिए उसे भी लेके आना। मीना, मैं तुम्हारी चाची देवली बोल रही हूँ, पहचाना नहीं क्या? अरे चाची, पहचानूंगी क्यों नहीं, बताइए कैसी है आप? मैं बढ़िया हूँ, और घर पे सब बढ़िया है। तो मीना, तुझे एक बात बताने के लिए मैंने फोन किया था, किसी को बताओगी तो नहीं? अरे चाची, आज तक आपकी बात किसी को बताई है क्या? आप विश्वास करो, बताओ क्या बात है। हाँ तो मीना, तुझे तो पता ही है, अभी मेरे बहू मंजू के 1 साल का बेटा है, और अभी इस महीने उसकी माहवारी नहीं आई थी, तो उसने अभी 2 दिन पहले ही जाके अस्पताल सफाई करवाई। और तुझे तो पता ही है, वो मुझे अपनी माँ जैसी मानती है, इसलिए वो कोई बात मेरे से छुपाती नहीं है। तो उसके मन में डर है कि कहीं वो दोबारा गर्भवती नहीं हो जाए। तो क्या वो मंजू दोबारा गर्भवती हो सकती है? हाँ चाची, मंजू का डर बिल्कुल सही है। गर्भ समापन यानी जिसे आप सफाई कहती हैं, उसके बाद अगर बिना किसी गर्भ निरोधक साधन के यौन संबंध बनता है तो महिला 10 या 15 दिन के अंदर दोबारा गर्भवती हो सकती है। इसीलिए गर्भ समापन के तुरंत बाद किसी न किसी गर्भ निरोधक साधन का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अच्छा तो मीना बताओ, अभी वो कौन सा साधन काम में ले सकती है? चाची, अगर मंजू खुद साधन इस्तेमाल करना चाहती है तो वो गोलियां शुरू कर सकती हैं, या फिर 3 माह का टीका लगवा सकती हैं, या मुक्ति या कॉपर टी भी लगवा सकती हैं, या चाहे तो आपका बेटा भी कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा तो ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ, जब इधर आओ तब मंजू से मिलवा दूंगी। जी चाची, नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गर्भ निरोधक साधनों के चयन के बारे में उपयुक्त जानकारी मिली होगी। नमस्ते।